स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिलाइट पोटी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्रायोफाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रिक्शिया। रिक्शिया जो है वो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव ब्रायोफाइट में काउंट किया जाता है, होता ही प्रिमिटिव है। अभी हम लोग ने क्लासिफिकेशन की कोई वीडियो नहीं पढ़ी। इससे पहले हम आपको 3 वीडियो सेकेंड सेमेस्टर की बता चुके हैं, जो कि ब्रायोफाइट से ही रिलेटेड थी, उन्हीं के बारे में थी, जनरल व्यू था उसका। जब आप उन चीजों को फॉलो कर लेंगे, उसके बाद हम मेंबर्स की लाइफ साइकिल पढ़ना शुरू करेंगे। पहला हमारा मेंबर है रिक्शिया, जिसको हम कॉमनली लीवर वॉल्ट कहते हैं। आप एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, रिक्शिया और एक मेंबर है मार्केंशिया, इन दोनों को लीवर वॉल्ट कहते हैं, क्योंकि ये जिस क्लास में शामिल है हिपेटिकॉप्सिडा, इस क्लास को ही लीवर वॉल्ट का क्लास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या बताना है, इसमें आपको इसका क्लासिफिकेशन बताना है, फिर आप इसका हैबिटेट बताएंगे, हैबिटेट में कुछ नहीं ज्यादा है, ठीक। फिर आप इसके गैमेटोफाइट बताएंगे, और पूरा रिक्शिया डिपेंड होगा इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे। अगर आप हमारी वीडियो में डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। और दूसरी बात, ये वाली जो वीडियो है हमारी, वो दोनों टाइप के बच्चों के लिए यूजफुल होंगी, जिनका मल्टीपल चॉइस एग्जाम है उनके भी क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, और जिनको रिटन एग्जाम देना है उनको नोट्स टेलीग्राम पे मिलेगा। लेकिन नोट्स आपको तभी समझ में आएगा जब आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी, ठीक है। और जिनका मल्टीपल चॉइस एग्जाम है, वो अभी डिटेल लेक्चर को पढ़ते रहिए, अपना नोट्स लिखते रहिए, उसके बाद में आपको एक पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, टॉपिक टू टॉपिक, ब्रायो के अलग, टेरिडो के अलग, जिम्नो के अलग, उसके बाद एंजियोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी, सारे क्वेश्चंस आपको डिलाइट बॉटनी क्लासेस पे मल्टीपल चॉइस के हम लोग करेंगे आराम से। पता है बच्चों, हमें पता है कि हमने काफ़ी लेट हो गए वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन वही होता है ना कि लाइफ में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी कुछ बिजी हो जाते हैं तो कभी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। इस वजह से हेल्थ इश्यू ज़्यादा बड़ा रीज़न था जो मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाई थी, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि आपके सामने आपके लिए वीडियो कंटिन्यू लाती रहूँ, ठीक है। बस आपका एक काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और शाहजहाँपुर में जो मेरा ऑफलाइन का सेकेंड सेमेस्टर का बैच चल रहा है, तो जो बच्चे शाहजहाँपुर के अराउंड में हो, तो जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए ज्वाइन करने की, क्योंकि वहाँ पे मैं बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों कवर कर रही हूँ अच्छे से। तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत सा स्टूडेंट हमारे एरिया का ही होता है, और उनको नहीं पता होता है कि हम ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपनी वीडियोस में। ये हैबिटेट आप बता देंगे, जो ब्रायोफाइट होता है वो मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में पाया जाता है। एक यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल चॉइस भी बता रही हूँ कि एक स्पीशीज रिक्शिया की होती है रिक्शिया फ्लूटेंस, जो कि एक्वेटिक होती है। अब इसको याद कैसे करेंगे, बहुत सी स्पीशीज होती है, रिक्शिया क्रिस्टेलाइना, रिक्शिया ये फ्लूटेंस, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका देखो, फ्लूट का मतलब पानी होता है ना, फ्लूटेंस इट मीन्स ये कैसी है, एक्वेटिक है, कुछ चीज़ें रिलेट करके याद की जाती हैं। उसके बाद हम हेडिंग आ रही है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है उसमें दो चीज़ें पढ़नी है हमको, एक हमको पढ़ना है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कि बाहर से रिक्शिया कैसा दिखता है, फिर हम उसका सेक्शन काट के देखेंगे कि रिक्शिया कैसा दिखता है। और रिक्शिया की जो वीडियो है ये हो सकता है 2 या 3 लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँ, क्योंकि रिक्शिया ही पूरे ब्रायोफाइट की जान है। अगर ये समझ लिया आपने तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। रिक्शिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में दो भाग होते हैं, दो सरफेस होती हैं, एक होती है डॉर्सल सरफेस और एक होती है वेंट्रल सरफेस। और रिक्शिया का जो थैलस होता है वो सबस्ट्रेटम पर इस तरीके से डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हो जाता है कि वो गोल गोल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बोलते हैं रोसेट। इसको बनाने के लिए बहुत आसान है, आप ऐसे ऐसे डॉट लगाएंगे और वही इस तरीके से आप इसको बनाते रहेंगे। ये डाइकोटोमसली ब्रांच होने के बाद में ये बन जाता है, इसको हम बोलते हैं रोसेट। तो रिक्शिया एंड मार्केंशिया दोनों ब्रायोफाइट जो हैं वो रोसेट फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका कि ब्रायोफाइट में कौन सा रोसेट फॉर्मेशन करता है, रिक्शिया एंड मार्केंशिया। उसके बाद हम रिक्शिया के थैलस को निकाल के देखते हैं। जो रिक्शिया का थैलस होता है वो डाइकोटोमस ब्रांच होता है, उसकी दो सरफेस होती है, ये पता है, ये इस तरीके से अपने सबस्ट्रेटम, ये थैलस से पत्ती जैसा फॉलियस होता है, मतलब छोटी सी लीफ लाइक, नॉट अ ट्रू लीफ। ट्रू लीफ तो बना था किसमें, टेरिडो में। यहाँ पे लीफ स्टेम
एंड रूट नहीं होता है, ऐसे इस तरीके से ये चिपका रहता है सबस्ट्रेटम पे। एक ऊपर की सरफेस होती है जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस, और एक नीचे की सरफेस होती है जिसको हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। ठीक, अब आप यहाँ पे देखते रहिए क्या क्या डॉर्सल पे क्या क्या वेंट्रल पे, यहीं से बिल्कुल सिंगल लाइन क्वेश्चन उठ जाएगा आपका। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये सारे आते हैं, आपका ग्रेजुएशन एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। निरीक्षा की डॉर्सल सर्फेस पे एक बीच में खांच होती है जिसको हम बोलते हैं मिड रे, और एपेक्स के ऊपर जो खांच होती है उसको हम बोलते हैं एपिकल नॉच, और यहीं पर इसका ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट होता है क्योंकि रिक्षिया की ग्रोथ यहीं से इस चलती रहती, कंटिन्यू रहती। ये रिक्षिया का ओल्डर पार्ट है और ये रिक्षिया के थैलस का नया भाग है। इसका काम आएगा जब हम इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम इसी थैलस को पलट के देखते हैं, मतलब इसकी हम क्या देख लिए, वेंट्रल सर्फेस। वेंट्रल सरफेस को जैसे ही हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि मिड वेंट्रल लाइन पे हेयर जैसे स्ट्रक्चर, देखिए हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। बच्चों राइजोइड का वही काम होता है जो हायर प्लांट्स में रूट्स का होता है, अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक, उसके बाद किनारों पर भी एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्केल। दो क्वेश्चन हो गया, रिक्षिया में क्या क्या पाया जाता है, राइजोइड पाया जाता है, कितने प्रकार का होता है। अभी हम लोग बात करेंगे दो प्रकार का राइजोइड होता है और एक प्रकार का स्केल होता है। राइजोइड का काम तो एब्जॉर्प्शन एंड अटैचमेंट है, और स्केल का काम जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना होता है, अदरवाइज फंक्शन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रिक्षिया में एक टाइप का स्केल पाया जाता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मार्जिन पर, एपिकल नोज के पास में थोड़े से स्केल्स पास पास अरेंज हो जाते हैं। ये आपको डायग्राम बना दे रहे हैं, उसके बाद में हम लोग हेडिंग डालेंगे राइजोइड्स। डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रोजेट को मिटा रही हूँ, आप डायग्राम को मेरे बोर्ड से ही बनाइएगा क्योंकि जो मैं नोट्स अवेलेबल कराऊंगी मे भी उसमें डायग्राम थोड़ा सा मुझसे कॉपी में अच्छे से नहीं बन पाते हैं। ठीक, तो ये डॉर्सल सर्फेस हो गई, वो वेंट्रल सर्फेस हो गई, फिर नोट्स में हेडिंग पड़ेगी राइजोइड्स। बच्चों राइजोइड्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ वॉल्ड, ये भी क्वेश्चन है आपका, और एक होता है ट्यूबरकुलेट राइजोइड। बिल्कुल अभी याद कर लीजिए, रिक्षा में कितना प्रकार का राइजोइड होता है, दो प्रकार का होता है। अभी लॉक कर लीजिए, इसके बाद मार्केंशिया होगा, उसमें भी दो प्रकार का राइजोइड होगा, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट। दूसरी बात, राइजोइड जो होता है वो कैसे कितने सेलुलर होता है, ओनली यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच राइजोइड होता है। ठीक है, कैसा होता है, यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच राइजोइड किसमें पाया जाता है, यू कैन से ब्रायोफाइट। इज इट क्लियर। अब राइजोइड को हम दिखाएंगे कैसे होते हैं असल में। रिक्षिया की लोअर एपिडर्मिस एक्सटेंड हो जाती है, मतलब कोई सेल नीचे को लंबा होके खिंच जाता है और वही बना लेता है राइजोइड। और स्मूथ वॉल्ड राइजोइड जो होता है उसकी अंदर वाली जो लेयर होती है वो चिकनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मूथ वॉल्ड। अब ट्यूबरकुलेट वाला देख लीजिए, सेम टू सेम, ट्यूबरकुलेट में भी यही होता है कि इसकी जो लोअर एपिडर्मिस है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब इसको हम सेक्शन काटेंगे तो थोड़ा सा मोटा तो दिख नहीं है, और इसके अंदर जो है कुछ इन्वेजिनेशंस होते हैं टीथ लाइक, जैसे दांत नहीं होता है, टीथ लाइक इन्वेजिनेशंस होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलेट। क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलेट। इज इट क्लियर। अंदर की सतह चिकनी, दैट्स व्हाई कॉल्ड स्मूथ वॉल्ड। अंदर की सतह में ट्यूबरकुलेट इन्वेजिनेशंस हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड ट्यूबरकुलेट राइजोइड। अच्छा, ये ट्यूबरकुलेट राइजोइड ऊपर से इसमें छेद छेद से भी दिखते हैं, जाहिर है अंदर कुछ सतह धसी है तो ऊपर से कैसा दिखेगा, परफोरेटेड। ठीक, तो रिक्षिया में कितने प्रकार का राइजोइड होता है, दो प्रकार का, एक ट्यूबरकुलेट और एक स्मूथ वॉल्ड। अब देखिए रिक्षा में स्केल्स कितने प्रकार का होता है, मैं स्केल्स के यहाँ पे दिखा रही, स्केल्स का संरचना ये होता है। स्केल्स को जब जूम करके देखेंगे तो पता ये चलेगा कि स्केल्स आर मल्टी सेलुलर। देखिए स्केल्स कैसा है, मल्टी सेलुलर है, टंग शेप का है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिगुलेट स्केल। लिगुलेट स्केल, इसमें एक
पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंथोसायनिन पिगमेंट। एंथोसायनिन पिगमेंट इसी वजह से ये स्केल्स जो हैं वो रेडिश पर्पल कलर के दिखते हैं, पिंक पर्पल या रेडिश पर्पल कलर के दिखते हैं। बस दो क्वेश्चंस बनेंगे। रिक्शा में कितने प्रकार का स्केल्स होता है? ओनली वन टाइप का होता है। कहाँ पर होता है? मार्जिन्स पर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, एंथोसायनिन पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समाप्त। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, ध्यान से अच्छे से समझिए इसको, ये मैं बिटा रही हूँ। अब यहीं पे हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूरा, जिनका रिटन एग्जाम है वो उनको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इंटरनल स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे आपके, और बेसिक चीज है कि आप बेसिक पढ़ लें। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम रिक्शा के थैलस को काट देंगे और किसी प्रोस्टेट ऐसे ऐसी कोई चीज है चपटी, उसको उठा के पिथ में रख के काटते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन, इट मींस VTS। तो रिक्शा का जब हम VTS काटेंगे तो हमको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आएगा, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा बोट शेप का। क्यों बोट शेप का होगा बच्चों? इसके जो मिड रिब थी उसके ऊपर, जो डॉर्सल सर्फेस थी उसके ऊपर ये खांच है मिड रिब, जो वेंट्रल सरफेस है उसके नीचे जो है वो राइजोइड्स हैं। रिक्शिया का थैलस बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है, इसीलिए वो बोट शिप नाव के आकार का दिखता है, बीच में मोटा किनारों पर पतला। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये बहुत छोटा होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा होगा। अब बड़े की बात करें, आपने एलोवेरा लीफ देखी, एलोवेरा लीफ बीच में मोटे किनारों पर पतली होती, अगर हम उसका टीएस काटेंगे तो वो भी हमको ऐसे ही नजर आएगी ना, मतलब उसमें खांच तो नहीं होती ऊपर, वो हमको ऐसे ही नजर आएगी। तो अब रिक्शा को समझ ले, रिक्शा में यहाँ पे खांच भी होती है तो थोड़ी सी खांच होगी तो रिक्शा जो है हमको कैसा नजर आएगा, ऐसा। ठीक, क्लियर। अब सुनिए, रिक्शा की यहाँ पे क्या लगे हैं किनारों पर? स्केल्स। तो किनारों के स्केल्स हमको दिखेंगे, और मिड वेंट्रल लाइन पर क्या है? राइजोइड है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिक्शिया को जब हम इंटरनली स्टडी करते हैं तो पता ये चलता है कि रिक्शिया का जो थैलस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। अपर पार्ट, ये मैं ऐसे ऐसे दिखा रही हूं, अभी इसको जूम करके देखेंगे तो पता ये चलेगा कि ये फिलामेंट किसके बने हुए हैं, अपर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन ये क्वेश्चन है बच्चों। और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टोरेज रीजन। रिक्शिया एंड मार्केंशिया दोनों प्लांट में फोटोसिंथेटिक रीजन एंड स्टोरेज रीजन पाया जाता है। लॉक कर लीजिए कि निम्न में कितना स्टोरेज एंड फोटोसिंथेटिक रीजन किसमें पाया जाता है? रिक्शिया एंड मार्केंशिया। ये हो जाएगा फिगर इसका VTS ऑफ रिक्शिया थैलस। ठीक, अब हम इसको जूम करके देखें। फोटोसिंथेटिक रीजन का मतलब क्या है बच्चों? फोटोसिंथेटिक रीजन में ये फिलामेंट है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इस भाग को फोटोसिंथेटिक रीजन कहते हैं। और नीचे वाले भाग में फूड का स्टोरेज होता है, इसलिए इस भाग को फूड स्टोरेज कहते हैं। और ये क्या लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं राइजोइड्स। अब हम इस भाग को जूम करके देखेंगे। जब हम जूम करके देखा हमने तो पता ये चला हमको कि ये जो फिलामेंट है ये असल में, मैं चार फिलामेंट बना रही हूं, ये असल में खुद छोटी छोटी गोल ग्रीन सेल्स के बने हैं। किसके बने हैं? छोटे छोटे गोल ग्रीन सेल्स के। जिनको एकेडमिक में है लिखने वाला तो उनको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिनका मल्टीपल चॉइस है वो एकदम अच्छे से समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि क्वेश्चन आपके सारे के सारे सॉल्व हो जाए। और नीचे वाला जो रीजन होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, लाइक दिस। जैसे हेक्सागोनल रिंग नहीं बनाते हैं उसमें केमिस्ट्री में, ऐसे हम लोग कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। अब छोटी सी यहाँ पे
और नीचे जो होती है एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस के में क्या पाए जाते हैं बच्चों, अभी हम लोगों ने बात की थी लोअर एपिडर्मिस में क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स ये हम लोगों ने यूनिसेलुलर ऐसे राइजोइड्स दिखा देने हैं। एक हमने स्मूथ वॉल्ड वाला दिखा दिया, एक हम ट्यूबरकुलेट वाला राइजोइड दिखाने के बाद बात खत्म कर देंगे, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने डिटेल। अब उसके बाद हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से फिल कर देंगे सेल्स से। क्लियर? अब देख लेते हैं, ये है स्टोरेज रीजन, स्टोरेज रीजन, और ये वाला कौन सा भाग है, फोटोसिंथेटिक रीजन। मैं पीआर इन शॉर्ट लिख देती हूँ। फोटोसिंथेटिक रीजन में भी अब देखिए, ये जो ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है। अब आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेटिक रीजन किसका बना हुआ है, तो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट का बना हुआ है। और बच्चों फोटोसिंथेटिक जो फिलामेंट होता है उनके बीच में ये जो खाली गैप है, ये वाले ये खाली गैप है, इनको हम बोलते हैं एयर चैम्बर। और एयर चैम्बर ऊपर की तरफ ये छोटे छोटे पोर, भाई ऊपर वाली सेल बड़ी है इसलिए इनके बीच में गैप कम बचा, इनको हम बोलते हैं एयर पोर। तो एयर चैम्बर फोटोसिंथेटिक रीजन में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट खुद छोटी छोटी ग्रीन सेल्स का बना होता है, प्रत्येक फिलामेंट का ऊपर वाला सेल बड़ा होता है जो अपर एपिडर्मिस बना देता है, और ये इसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस की तरह ये व्यवहार करता है। ठीक? और इसमें प्रत्येक फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के बीच में जो चैम्बर लाइनें होती है उसे एयर चैम्बर कहते हैं, यहीं पे वही ऑक्सीजन बनेगी और एयर पोर के द्वारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान एक्सचेंज होता रहेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अच्छा हाँ ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे भाई मल्टीपल में, पहले तो बताइए फोटोसिंथेटिक रीजन किधर है, डॉर्सल सरफेस की तरफ, स्टोरेज रीजन किधर है, वेंट्रल सरफेस की तरफ। फोटोसिंथेटिक रीजन किसका बना है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट का। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के बीच क्या प्रेजेंट होता है, एयर चैम्बर। एयर चैम्बर किसके द्वारा बाहर खुलता है, एयर पोर। यहां तक हो गया है रिक्शिया का एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट। इज इट क्लियर? अगली वीडियो में हम लेके आएंगे रिक्शिया का रिप्रोडक्शन। दो टाइप का रिक्शिया में रिप्रोडक्शन होता है, एक वेजिटेटिव एंड एक सेक्चुअल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो हम लोग पढ़ लेंगे तभी हमको मार्केंशिया एंड उसके बाद एंथोसीरोस अच्छे से समझ में आएंगे। पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्या वेजिटेटिव एंड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन आपको जिनको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अच्छे से मेहनत कीजिए, नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि खाली लेके वीडियो देखने से भी कोई फायदा नहीं है, और जहां पर हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं वहां पे आप जरूर टिक किया कीजिए और मेहनत कीजिए। आपके लिए गुड लक है, अच्छे से क्या कहते हैं ना, टाइम कम है तो लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।